the only automobile free hill station in entire Asia. Did you know about Mathiran? Let me take you. ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां तो चलिए शुरू करते हैं माथेरान का ये सुंदर सा सफर फ्रॉम मुंबई ड्यूरिंग मॉनसून. लेट्स गो. सबसे पहले हम पहुंचे थाने रेलवे स्टेशन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं अभी थाने रेलवे स्टेशन में और यहां से हमें जाना है माथेरान. तो उसका नियरेस्ट स्टेशन है नेरल. तो नेरल का लोकल टिकट लिया है हमने और अभी जस्ट ट्रेन आने वाली है. माथेरान का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नेरल और टिकट था सिर्फ 15 रुपए. पहले से बता दूं कि माथेरान का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, बट यू आर गोइंग टू लव इट बिकॉज इस ब्लॉग के थ्रू आपका वर्चुअल टूर जरूर हो जाएगा. थाने का ये भीड़, बाप रे. लेकिन मुंबई लोकल से सफर करने का मजा ही कुछ और है. ऊपर से ये बहुत ही कन्वीनियंट और सस्ता भी था. कुछ ही वक्त में हमारी ट्रेन आ पड़ी और हम निकल पड़े नेरल. कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेन एकदम खाली थी. आप देख सकते हैं कुछ लोग तो सो भी गए थे यहाँ पे. और ऑलमोस्ट 30-40 मिनट के अंदर हम पहुंच गए नेरल स्टेशन. नेरल स्टेशन से एक टॉय ट्रेन जाती है माथेरान, जो कि कभी कभी बंद रहती है और इस टाइम पे भी ये बंद थी. अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. यहाँ से शेयर्ड कैब लेके ऊपर जाना होता है और वहाँ से टॉय ट्रेन का टिकट मिलता है. एंड हो सकता है कि मिले भी नहीं, तो अभी नाश्ता करके जल्दी जल्दी निकलते हैं. लेट्स होम फॉर द नाइट. खाना खा के निकल पड़े एक दूसरा टॉय ट्रेन ढूंढने. तो दिस इज अ शेयर्ड कैब फ्रॉम नेरल स्टेशन और ऊपर जाने के लिए पर हेड 100 रुपीज लगता है और वहाँ से टॉय ट्रेन मिलता है. सो दिस इज आवर कैब. ये है कुछ 8 किलोमीटर का रास्ता एंड घाट टुवर्ड्स माथेरान स्टेशन. ध्यान रहे कि अगर टॉय ट्रेन नेरल से चल रही होती तो फिर हमें ये कैब लेना नहीं पड़ता और हम डायरेक्टली माथेरान पहुंच जाते. फाइनली वी रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माथेरान. दिस इज द सीन जहां से आप जा सकते हो टॉय ट्रेन के लिए. और ये घोड़े हैं, घोड़े का ऑप्शन. एंड शी इज श्रद्धा. ओह, देयर इज एन ऑप्शन टू टेक हॉर्स. और ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा तो देखेंगे, चलेंगे, कुछ करेंगे. बट ये माहौल मस्त है एकदम. देखो कितना बारिश है. और सही है, रेनकोट पकड़ के आना बस. जुलाई और अगस्त के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश रहती है, बट यही तो है इसका असली मजा. लोग अक्सर इसी टाइम पे यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे लोकल्स मिलते हैं जो आपका सामान भी उठा के लेके जाते हैं. अभी 12 बजे का टॉय ट्रेन का टिकट खत्म हो चुका है. तो नॉट श्योर व्हाट टू डू, बट मोस्टली कुछ एडवेंचरस होने वाला है. द ट्रेन अराइव्ड बट अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि हमारे पास टिकट था ही नहीं. जिस टाइम का ट्रेन रहता है उसके जस्ट 45 मिनट्स पहले ही काउंटर खुलता है. वी ट्राइड अ लॉट विदाउट टिकट्स बट नहीं हो पाया. यहां पे नहीं मिलेगा. तो फाइनली ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया हमें और हम पैदल जा रहे हैं. एंड इट्स क्वाइट एंजॉयबल. एंड वी मेट 2 new friends. मजा आ रहा है सबको ऐसे पैदल. ज्यादा मजा आ रहा है. ज्यादा मजा आएगा. तो रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले एंड वी हैड लॉट ऑफ फन वाइल वॉकिंग. सबसे अद्भुत बात तो ये है इस जगह के बारे में कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स ही नहीं चलती. एंड इट इज़ अ इको सेंसिटिव जोन. ओनली हॉर्सेस एंड हैंड पुल्ड रिक्शाज. वेलकम टू माथेरान रेलवे स्टेशन. हम पहुँच गए पैदल. बस 40 मिनट लगा और बहुत सीनिक है. सो आई वुड रिकमेंड प्लीज वॉक इफ यू नॉट गेटिंग टिकट्स टू ट्रेन. तो ये है माथेरान स्टेशन जो कि बहुत छोटा सा है. यहाँ पे सिर्फ टॉय ट्रेन आती है एंड इट वॉज रियली क्यूट. और ये रहा यहाँ का पोस्ट ऑफिस. सो आफ्टर अ वॉक ऑफ ऑलमोस्ट 1 hour आई एम अबाउट टू रीच द होटल. और जगह काफी अच्छा है. तो हमने स्टे बुक किया हुआ था लक्ष्मी होटल या होम स्टे में, जो कि इस तरह दिखता है. सो दिस इज द व्यू ऑफ आवर रूम. वैली व्यू टाइप का है. काफी अच्छा है.
दिस डॉगी हाय एंड दिस इज लिपिका एंड अच्छा लिपिका दिखाएगी रूम. मैं 3 वाला रूम लिया था इन केस आवर अदर फ्रेंड विल कम. रूम ठीक ही है. सो द टाइम इज़ अप्रोक्सीमेटली 2:30. अभी थोड़ा हम लोग फ्रेश होके निकल रहे हैं खाना खाने के लिए. यहाँ पे सिर्फ थाली सिस्टम है और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए. बट मौसम एकदम मस्त और परफेक्ट है. आउच. तो सबसे पहले भोजन करने के लिए हम लोग निकल पड़े पास के होटल में और सब कुछ अच्छा ही लगा क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा था. तो अभी ये रेस्टोरेंट से हम लोग खा के निकले और लुक एट द फॉग, बादल के ऊपर लग रहा है एकदम. तो सबसे पहले ये मैप देख के हम लोग निकल पड़े टुवर्ड्स चार्लेट लेक जो कि थोड़ा फेमस भी था और पास में भी था. ये एक पॉइंट है जहाँ पे मैप लगा हुआ है और फ्रॉम देयर यू कैन ईदर टेक अ हॉर्स और वॉक बाय योरसेल्फ. थोड़ा पड़ेगा चलना बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हॉर्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यार यहाँ पे घर होना तो मज़ा आ जाएगा. अभी भी आधा किलोमीटर है तो यहाँ से सब पैकेज है. अगर कितना पॉइंट्स कवर करना है उस हिसाब से तो आप ऐसे जा सकते हो घोड़े में और ये सब एक डायरेक्शन में है. देख सकते हैं सिर्फ घोड़े ही घोड़े हैं. एवरीवन चूजेस हॉर्स बट आई एम प्रीटी मच अगेंस्ट इट. हर जगह बोर्ड लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वाओ ये सब ना मुझे राज का शूटिंग पॉइंट लग रहा है. मतलब इट्स लाइक क्वाइट भूतिया. लिपिका कैसा लग रहा है इतना चल के? तो पूरी ट्रैकिंग हो गई. बहुत डिस्टेंस है ये लेक का. चार्लेट लेक में आपका स्वागत है और ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है. तो इस जगह का ऐसा नहीं है कि कोई प्लेस में आके आपको अच्छा लगे बट जो जर्नी है जो आप चल के एक्सप्लोर करते हो ट्रैक करते हो दैट इज द मेन हाईलाइट. वेलकम टू चार्लेट्स लेक एंड इट्स अ 20-30 मिनट्स वॉक फ्रॉम द मेन एरिया. इतना बादल है इट्स सडनली रेनिंग एंड देन स्टॉपिंग. तो हम लोग रेनकोट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तुरंत फॉग हो गया बारिश निकालो रेनकोट निकालो. यहाँ से लौट के एक पॉइंट मिला जहाँ पे थोड़ा दुकान था एंड वी हैड गर्मा गर्म चाय ओवर हियर. 100 मीटर है बट इतना बारिश हो रहा है कि जा नहीं पाए चाय पी रहे हैं. अब चलते हैं हम लोग इको पॉइंट की तरफ एंड दिस व्यू वाज क्वाइट बेटर देन चार्लेट लेक. वेलकम टू इको पॉइंट. ये काफी सुंदर है. वेल दूसरे प्रोग्रेस की तरह मैं सच्चाई नहीं छुपाऊंगी यहाँ पे काफी क्राउड था आप देख ही सकते हैं. यहाँ का यही फंडा है थोड़ा टाइम वेट करोगे तो बादल क्लियर हो जाता है एंड यू कैन सी द व्यू. सो आफ्टर इको पॉइंट वी आर गोइंग टू लुइसा पॉइंट जो कि 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं बट वी कुडंट डिसाइड. लेकिन अब जा रहे हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है. 1.5 किलोमीटर इज टू मच. 1.5 किलोमीटर. So we'll try to reach before sunset. So we are trying to find out what is this fruit. Finally got a board. Thank God. Few more steps to go. तो ये है सही रास्ता. हम लोग गलत पे चले गए थे बट ये लिपिका जाना है कि वापस चले. घोड़े में तो नहीं बैठेंगे. फाइनली रीच्ड लुइसा पॉइंट. ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए बट रास्ते में यार कुत्ते बहुत डरावने थे और एक ऐसा जानवर का साउंड आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था क्या है. मैं भाग के आई हूँ पत्थर पकड़ के. बट आई डेफिनेटली नीड अ ग्रुप टू गो बैक बिकॉज इट्स लिटरली स्कैरी आई एम टेलिंग यू. अच्छा आई सी सम पीपल थैंक गॉड. Sunshine on my face. I feel pretty great about today. About today.
एंड आई मस्ट से द ट्रेक वॉज वर्थ इट. लुक एट द व्यू. Waiting at the altar for you, altar for you today. यहाँ पे हवा काफी तेज था एंड लोग बहुत कम थे क्योंकि शाम हो रहा था एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी फार फ्रॉम द मेन पॉइंट. ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, बारिश होने लगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो क्राउड. अगर क्राउड कम चाहिए तो लुइसा पॉइंट आना. रेनकोट निकालो. सो दिस इज द थर्ड स्पॉट, लुइसा पॉइंट, एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट. जो एंड अभी फॉग हो गया, एकदम लग रहा है जैसे रात हो गया है, बट अगर यहाँ आए हो तो ये पॉइंट ही आना. यहाँ पे कम लोग हैं एंड द व्यू इज अमेजिंग. अभी देखो ऐसा है. This is the best spot in Mathuran. रिटर्न का तो पूछो ही मत. देर वॉज नो चांस आई कुड टेक आउट माई कैमरा. इट वॉज डार्क, वी फॉलोड अ ग्रुप एंड सब कुछ भीग चुका था. जस्ट लुक एट दिस. फाइनली रीच द रूम. और ये ट्रिक मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. खतरनाक था भाई और एडवेंचरस तो था ही, बट लौटते टाइम बहुत डर लगा. आई मीन एक ग्रुप के साथ आए बट थोड़ा डरावना था. अभी भी देखो कैसे तूफान हो रहा है. इट्स कम्प्लीटली डार्क. तो तीन मेन पॉइंट्स तो कवर हो गए. अभी जो बाकी है वो कल देखेंगे सुबह क्या हो सकता है. बट आई मस्ट से दिस प्लेस इज अमेजिंग. ऐसे रास्ते में स्लीपर में 21,000 स्टेप्स कवर किया, ये तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ. हेलो गाइज, सेकेंड डे इन माथेरान. अभी 11 बज रहे हैं बट द क्लाइमेट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग आई मस्ट से. बट घूमना थोड़ा मुश्किल है. आज एक पॉइंट पे जाने वाले थे, अलेक्जेंडर पॉइंट. तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट के बाद जाके देखेंगे स्टेशन पे ट्रेन के टाइमिंग्स क्या है, आई मीन टॉय ट्रेन. और अगर 1:30 वाला मिल जाता है तो वापस आके देखेंगे इफ़ वी कैन कवर वन मोर पॉइंट. एक पॉइंट है काफ़ी पास में है, बट लुक एट द वेदर. इसमें घूमना क्या कैसा होगा वो नहीं पता. हम निकल पड़े अलेक्जेंडर पॉइंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 फॉर 2 रिक्शास. वी हैव टेकन अ हैंड पुल रिक्शा क्योंकि कल चल चल के हालत खराब है. तो एक पॉइंट है अलेक्जेंडर पॉइंट जो बहुत मन था देखने के लिए. सो वी आर हेडेड टू दैट पॉइंट थ्रू अ हैंड पुल रिक्शा. ये कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि एक रिक्शा को दो लोग चलाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब. एंड लुक एट द रोड्स, लुक एट द फॉग गाइस. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप रुक के एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन वन डे. ये जब भी खत्म होगा उसी हिसाब से ट्रेन का टिकट लेंगे. एंड इट्स वेरी वेरी फॉगी और सुबह से बारिश काफ़ी ज़्यादा है. तो रिक्शा पार्क हो चुका है तो पैदल चलते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट. वेलकम टू पूर्णिमा. भूत की तरह आते हैं. अलेक्जेंडर पॉइंट ग्रीनरी के बीच में, ग्रीन ग्रीन. सो गाइस, लिपिका का रिकमेंडेशन था अलेक्जेंडर पॉइंट जाना है और हम आ गए. बारिश देख ही रहे हो, फॉग देख रहे हो, तो कोई यूज नहीं है. 1,000 रुपये दिया है जो रिक्शे का. And it is how it looks. हमने थोड़ा टाइम वेट किया बट ना ही बारिश कम हुई ना ही फॉग. आई डोंट नो यू गाइस कैन सी और नॉट, ये वाटरफॉल दिख रहा है यहाँ पे. बहुत सारा थिन वाटरफॉल्स, उसमें से एक है ये, इफ यू कैन सी. कुछ लोग थोड़ा आगे जाके शायद बाइनोकुलर्स में भी कुछ ट्राई कर रहे थे देखने के लिए. अब अलेक्जेंडर पॉइंट हो गया है. अभी देखते हैं पास में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस जाएंगे. और 3:15 को हमारा टॉय ट्रेन है तो उसके लिए 45 मिनट्स पहले टिकट काउंटर खुलता है. तो 2 बजे होटल पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से स्टेशन. कितना दूर है वो डिपेंड करता है. हमारे रिक्शा चालक बोल रहे थे कि और एक पॉइंट देख के जाओ, बट कोई यूज़ नहीं था ना ही हमारे पास टाइम था. सो वी रिटर्न्ड बैक. कल वाली जो ताई थी वो मिल गई तो वो हमारा सामान लेके जाएगी स्टेशन. ये रही आ रही है. बारिश का जो इंटेंसिटी था ना, आप खुद ही सुन लो.
स्टेशन पहुंच के एक घंटे पहले से हम लोग लाइन पर लग गए ताकि इस बार टॉय ट्रेन का टिकट हमें मिल जाए। नंबर ऑफ टॉय ट्रेन इज वेरी लेस, द बॉगीज आर ओनली 3, D1, D2 एंड D3, इसलिए लिमिटेड सीट्स रहते हैं एंड 45 मिनट्स पहले खुलता है। तो अगर आपको टिकट्स चाहिए तो आप मेक श्योर करें कि लाइन में पहले से खड़े रहे। एंड दिस इज हाउ द टॉय ट्रेन बॉगी लुक्स फ्रॉम इनसाइड। ट्रेन के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये इको सेंसिटिव जोन है सिंस 2003। और ये जोशीले यंग ग्रुप के साथ हम लोग के टॉय ट्रेन का सफर और भी सुहाना हो गया। बारिश तो एंड तक रुकी नहीं, बट सिंस दिस वॉज माई फर्स्ट टॉय ट्रेन, बारिश में भी मैं बंदर की तरह लटक पड़ी। तो माथेरन के एंट्रेंस में पहुंच के हमने लिया ये शेयर्ड कैब फिर से टू नेरल रेलवे स्टेशन। बारिश तेज थी इसलिए रास्ते में हमें बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिले एंड वी रीच्ड नेरल इन अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट्स ऑफ टाइम। एंड आई स्वेयर कैब स्टॉप से स्टेशन तक मेरे ट्रॉली को तहर के आना पड़ा बिकॉज पानी बहुत ज्यादा जम गया था। एंड देन वी टुक द लोकल टू थाने रेलवे स्टेशन। कुछ भी हो जाए बट पूर्णिमा नेवर फॉरगेट्स टू कलेक्ट मैग्नेट्स। तो कैसा लगा आप लोगों को माथेरान मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एंड टेक केयर।